समस्या के है सारा न्यू तो कहने बोला दादा लक्ष्मी होया भाई सौ साल आगे की कह गया लक्ष्मी ने तो मानना हमारे लक्ष्मी की नहीं मानते लक्ष्मी जो कह रखी हवा तो एक भी जीवन पर नहीं धारती हूँ सुना था खूब अब दादा ने ऐसा कभी ना होना है और देख बोला बनक पड़ी थी कान्ना के माँ या उजल का आया और चोकर दे तो घेर लिया रही बोला धनमोशी की माँ राजा सलेबान ने रानी नूना देख का फैल रचने के बाद उसकी बातों में आकर पूर्णमल को बुलाया आप श्रोता लोग आपकी नगरी में ऐसे ऐसे कवि हुए पंडित श्यामलाल जैसे कवि आपकी नगरी को नसीब हुए गौर से सुनना रागनी सुनी सुनाई है आज जो अदालत लगती है न्यूकी न्यू अदालत दादान ला रखी है आज क्या होता है एक कटघरे में वो मुजरिम जो खड़ा होता है जिस पर दोष लगाया जाता एक कटघरे में वो खड़ा होता है जो दोष लगाता और बीच में बैठे जज न्यू है एक कटघरे में पूर्णमल को खड़ा कर लिया एक तरफ रानी नूनादे को खड़ा कर लिया और बेचारा राजा सलेबान खड़ा है हाथ जोड़कर उसने पूर्णमल ने कहा कि पिताजी मेरे को किस लिए बुलाया बुला रहा खोट कुण से कहा है खोट न्यून ए मोटा हिसाब ला लियो न्यून रानी खड़ी है न्यून पूर्णमल और बेचारा राजा और देखे आज भी अदालत न्यू कैसे खड़ा करते गीता ले आकर दे दे हैं वो उस पर हाथ धरे है अग मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा अड़वी धर्म थवा जा है वो की बात अदालत है ए रे थरमा बेटे का संदीप भाई जिनके घर में पुत्र धन की प्राप्ति हुई है 500 रुपए और देते हैं बार बार धन्यवाद धर्म माँ बेटे का नेक बिगड़ गया दोस्त रहा कुण से ने और धर्म स्वरूप भी कहनी चाहिए खोट कर कुण से ने आज भी अदालत कहती है आज भाई गवाह ले आओ गवाह होगा तो सजा मिलेगी अरे राजा भी कैसे गवाह ले आओ के जिस समय उस कुंती को पता चला कि कल रणभूमि में
तेरे पांचों पुत्र मारे जाएंगे। सजनों, ये पुत्र मोह ईसाई व्याकर ये सुन के उधर श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया था कि एक उपाय है, अगर तू कर सकती है तो तेरे पुत्रों के प्राण बच सकते हैं। क्या? कि अगर तू जाके कर्ण के द्वार पर कुछ मांगेगी तो कर्ण इनकार नहीं करेगा। सजनों, ये बात सुन के वो कुंती वहां से चल देती है। चलते चलते कर्ण के द्वार पर पहुंची, लेकिन मन में तरह तरह के ख्याल आवे। अब जो कर्ण अपने बारे में कुछ कुछ जान लग गया तो के जवाब देगी, के बतावेगी। एक कोने में बैठ के जाकर के रोने लग जाती है। वहां का ठाट, वहां का माहौल देख के आंखों में आंसू आ गए। उस समय को, उस विपता की घड़ी को देख के बताते हैं कि कर्ण की नजर जब उस कुंती पर पड़ी तो वहां से उठ के केवल सबसे पहले इस दुखिया का दुख सुनूंगा और मैं बाद में देखूंगा। सजनों, कुंती के पास गया, जाके देखा, रे या तो कुंती है। आ कुंती कैसे आई हो? ओहो, जब ये कुंती शब्द उस कर्ण के मुंह से सुने, आंखों में आरसिन्यू कहला, गिरे बेटा, अरे मैं कुंती को ना तेरी माँ हूं। ओह, के तू मेरी माँ? मेरी तो एक ही माँ है, वो है राधा। तू कैसी माँ है? मैं किसी और माँ को नहीं जानता। आज से पहले तेरे मुंह से कदम ये शब्द नहीं सुना और आज अचानक। लेकिन एक बात जरूर है, तू ये बता तेरे ऊपर कौन सी विपताएं पड़ी जो इस कर्ण की याद आई। कैसे एक बात के द्वारा अपनी माँ को ताने मारता है, क्या बता दिया? Thank you.
पहले दिन बावली में बाबा आ रहा है। बहुत अच्छे कलाकार रह भी रहे हैं, बहुत अच्छे गाने वाले रहे हैं, उस्ताद मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। क्या लिखा है? अगन गगन अगन गगन जल धरण काप गे, अगन गगन जल धरण काप गे, दुनिया एक रल ओ की ओनी बनी ओन की खातर अपने हे बल हो की, काम देव की ये चाल उठ के ओली की जड़ ओ की, सारी निष्फल हो की, बारह साल की करी तपस्या, सारी निष्फल हो की, फल लागण का ओ फल लागण का रूख काट दिया कहो हरा कुल से, मिलने को तू भी तो मुझे मिलने को दिन रात तड़पे।
छोरे में सबका देखा पहले 500 रुपए से और मान सम्मान सजाई करते हैं भाई को बार बार धन्यवाद है धन्यवाद क्या बात Yeah.